निवासी ग्राम मोहम्मदपुर, थाना शेरगढ़, जनपद बरेली। थाना शेरगढ़ का गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त है सुखदेव और उसके परिजनों के द्वारा अपनी आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से संचित की गई 1,46,00,000 रुपए मूल्य की चल अचल संपत्ति, जिसमें 2 मकान और 21 खेती की जमीनें शामिल हैं, सभी को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बरेली महोदय के द्वारा दिनांक 5/8/2022 को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के प्राविधानों के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया गया है। जब्त की गई सभी चल अचल संपत्ति का श्रीमान उप जिला मजिस्ट्रेट बहेरी महोदय को प्रशासक नियुक्त किया गया है। सभी ग्रामवासी ध्यान से सुने। थाना क्षेत्र शेरगढ़ के मोहम्मदपुर के रहने वाले अभियुक्त सुखदेव और उसके साथियों के द्वारा अवैध रूप से उपार्जित संपत्ति जो 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत उसके जब्तीकरण का प्रस्ताव थाना शेरगढ़ की पुलिस के द्वारा भेजा गया था, जिसको माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अपना अनुमोदन प्रदान किया गया है और उसकी और उसके सहयोगियों की लगभग 1.46 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। और इस जब्तीकरण की कार्रवाई आज क्षेत्राधिकारी और क्षेत्राधिकारी के साथ साथ थाना प्रभारी तथा SDM बहेड़ी के देखरेख में कार्रवाई जब्तीकरण की चल रही है।